आप सभी का फिर से कृष्णा होम्स के एक नए वीडियो में। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मोनिका कृष्णा होम्स की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ उस प्यार और उस सपोर्ट के लिए जो आपने हमें दिया हमारे पिछले वीडियोस में। सो थैंक यू सो मच टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स। सो गाइस, जो प्रोजेक्ट आज हम देखने वाले हैं उसका नाम है गुरुकुल रेजिडेंसी। ये बेसिकली एक 3 BHK फ्लैट है जो कि लोकेटेड है जगतपुरा जयपुर में। इस फ्लैट का टोटल एरिया है 1300 स्क्वायर फीट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनसाइड। सो गाइस, दिस इज 3 BHK फुली फर्निश्ड फ्लैट। सो फ्लैट में एंटर होते ही सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ मिल रही है वो है ये खूबसूरत एंड एलिगेंट लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के साथ में आपको यहाँ मिल रहा है ये एक्स्ट्रा स्पेस। जैसा कि आप देख रहे हैं लिविंग एरिया ऑलरेडी काफ़ी स्पेशियस है और उसके बाद भी आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है, तो इस एक्स्ट्रा स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं एज योर डाइनिंग एरिया। नेक्स्ट स्पेशल फीचर जो इस लिविंग एरिया का आता है वो है ये खूबसूरत सी फॉल सीलिंग। लिविंग एरिया के जस्ट राइट साइड में आपको ये मिल रहा है एक डोर जो कि है मास्टर बेडरूम का डोर, और ये है हमारा खूबसूरत एलिगेंट मास्टर बेडरूम। इस बेडरूम का साइज है 11x12 और साथ ही साथ इस बेडरूम में आपको मिल रहा है ये अटैच वॉशरूम। बेड के 3 साइड आपको ओपन स्पेस प्रोवाइड किया गया है, प्लस आपको मिल रही है ये वुडन वार्डरोब। सो बेडरूम के बाद नेक्स्ट चीज आती है जो कि लिविंग एरिया से ही कनेक्टेड है, वो है ये मॉड्यूलर किचन। बट किचन से पहले आपको यहाँ पर एक पार्टीशन प्रोवाइड किया गया है जो कि वुडन डिजाइनर पार्टीशन है जो आपके लिविंग एरिया और किचन को सेपरेट करता है। उसके बाद मिलता है आपको ये सेमी मॉड्यूलर किचन। काफी सारे वार्डरोब्स और कैबिनेट्स ऊपर भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं और नीचे भी दिए गए हैं। प्लस आपको यहाँ मिल रहा है ग्रेनाइट का किचन टॉप काउंटर, आपको मिलता है ये स्टेनलेस स्टील सिंक। किचन के बाद नेक्स्ट चीज आती है ये छोटा सा लॉबी एरिया, आपको यहाँ मिल रहा है एक कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम के बाद नेक्स्ट चीज आती है वो है हमारा सेकेंड बेडरूम, जिसे आप किड्स बेडरूम की तरह यूज कर सकते हैं, गेस्ट बेडरूम की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बेड दिखाया गया है, प्लस सेम आपको 3 साइड्स से आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। बेड के आपको मिल रहा है ये वुडन गेटेड बिल्ट इन वार्डरोब में काफी सारा स्पेस है। ये जो इस बेडरूम की हमको मिल रही है वो है ये विंडो प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने अगले और आखिरी बेडरूम की तरफ। तो ये है हमारा थर्ड एंड लास्ट बेडरूम। क्योंकि काफी स्पेशियस है, काफी सारा स्पेस है, बेड लगने के बाद भी आपको 3 साइड से स्पेस मिल रहा है, प्लस आपको यहाँ मिल रही है ये सेम वार्डरोब्स सेम साइज की जो अभी हमने अभी पिछले बेडरूम्स में देखी थी। बेडरूम के बैक साइड वाली वॉल पे जैसा कि आप देख रहे हैं आपको बहुत ही सुंदर सा वॉलपेपर यहाँ दिया गया है जिससे काफ़ी सुंदर फ्लावर्स का डिज़ाइन प्रिंटेड है। नेक्स्ट चीज़ इस बेडरूम की जो आती है जो कि बाकी बेडरूम से इस बेडरूम को स्पेशल बनाती है वो है ये खूबसूरत सी बालकनी। काफी स्पेशियस बालकनी है, काफी सारा स्पेस है, आप यहाँ अपनी इवनिंग और मॉर्निंग टी एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज, ये तो देख लिया आपने ये फुली फर्निश्ड 3 BHK गुरुकुल रेजिडेंसी का फ्लैट। होप आपको ये फ्लैट अच्छा लगा हो। फ्लैट को खरीदना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं ये पड़ेगा आपको 34 लैक्स का,
इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या इस फ्लैट से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इसी तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं या आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे चैनल कृष्णा होम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।